अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था इंको की स्प्रे गन है। इसको आप चेक करते हैं कि ये एक तो ऑनलाइन स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका भी पता चल जाएगा, और गन भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी पेंट से। एक तो बजट में भी आती है, इसको चेक करते हैं। 450 वाट मैंने मंगवाई थी, वन पीस है, विस्कोसिटी कप है, क्लीनिंग पिन है। चलो चेक करते हैं। अच्छा, इसका हम प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे कि इसकी जो वीडियो वगैरह बनाई गई है वाकई वो ये पेंट इसका जो थ्रो है वो भी सही है, क्योंकि इसके बताया तीन किस्म का पेंट थ्रो करता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक जो होता है सेंटर जो है इस तरह का। ये इसके आप स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो इसको हम सिर्फ ये कर लेते हैं कि इसका फ्लो चेक करने के लिए हम इसको, ये जो इसके साथ बोतल आती है इसको हम पानी से भर लेते हैं, इसका फ्लो चेक कर लेते हैं। बाकी पेंट का हम भी, पेंट का भी इसका डेमोंस्ट्रेशन चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसका थ्रो सिर्फ चेक कर लेते हैं कि थ्रो इसका कैसा है। अच्छा, तो ये अब हमने पानी ले लिया है, पानी से इसका सिर्फ चेक कर लेते हैं। मैंने वहाँ से इसको ऑन किया हुआ है, इसका पावर प्लग ऑन किया हुआ है, तो इसको हम ऑन करते हैं। अच्छा, ये आपको भी इसकी साउंड लगी है, ये काफ़ी नॉइजी है, ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा करता है। बाकी तो फ्लो तो अब फिलहाल सही है, क्योंकि पानी अब मेरा सब टेबल वगैरह गीला हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ से नहीं चेक करेंगे, बाहर जाके चेक करेंगे। इसको मैं बाहर के अब डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ, लेकिन इसका जो अब फिलहाल मुझे जो ड्रॉबैक नज़र आया वो इसकी साउंड है। साउंड इसका नॉर्मल से कि साउंड इसका थोड़ा सा तेज़ है। व्यूअर्स, अब इस मशीन को टेस्ट करने का वक्त आ गया है, मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है। अब इसको पहले तो हम इसका जो विस्कासिटी है वो भी फाइंड करेंगे, ये मेरी भी पहली दफ़ा है, तो इसके विस्कासिटी करेंगे। ये मेरा ख्याल में आप अगर आप पेंट कर रहे हो, पेंट स्प्रे कर रहे हो, तो उसके लिए आपको तकरीबन 15 से 50 सेकंड के ड्यूरेशन में आपका ये कप खाली होना चाहिए। तो इसको हम चेक करते हैं। मैंने पेंट वगैरह सब कुछ बना लिया है, ये विस्कासिटी कप है, टाइम हम वो कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। एक सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं खुद इसको वो नहीं कर रहा था। ये काफी पतला है, तकरीबन 11 सेकंड के अंदर ये खाली हो गया, तो अब इसको तो गाढ़ा नहीं कर सकते हैं, पर पतला ही सही है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा से फिर आपका ये स्प्रे नोजल बंद हो सकती है। अब चेक करते हैं इसको, ये काफ़ी पतला है। जो टाइम उन्होंने आइडियल टाइम बताया वो 15 से 50 सेकंड के ड्यूरेशन है। अगर आप पेंट कर रहे हो जिस तरह आप नॉर्मल हम
दीवारों और खिड़कियों दरवाज़ों पर करते हैं वो पेंट कर रहे हो तो वो उसके लिए तो 15 से 50 सेकंड का ड्यूरेशन है और ये काफ़ी कम है। बाकी कुछ करने की फिलहाल ज़रूरत है नहीं, हमने कर लिया है 13 सेकंड के अंदर, बाकी सेम ही है। ये जो आपका आपको नज़र आ रहा है इससे आप जो पेंट की फ्लो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको पेंट कितना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी 3 जगह है तो उसके लिए आपको पेंट की जो फ्लो है वो कम चाहिए होगी और इससे आप इसका जो वो है थ्रो है वो आप कर सकते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ, ये आप पेंट देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, इसको जो आप फ्लो करते हैं जितना फ्लो करेंगे आपका ये इसका पॉइंट बनेगा। इसको आप मजीद कर लेते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा इसकी जो ये आप हॉरिजॉन्टल है इसके जो हम लोग इसका जो वर्टिकल है पूरा दीवार मैंने पेंट कर दिया है आपको बताते बताते। इसका आप देख सकते हैं ये वर्टिकल है, इसकी जब नोजल हॉरिजॉन्टल होगी इसका थ्रो वर्टिकल होगा और इसकी जब नोजल वर्टिकल होगी इसका थ्रो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, जब आप इसको फ्लो करेंगे फिर इसका जो फ्लो होगा वो सर्कुलर होगा, पॉइंटर होगा। ये जब आप इसका करते हैं ये फिर ज़्यादा जो आपका पेंट है वो ज़्यादा यूज होता है। इसको जब आप कम पे रखते हैं ये आप देख सकते हैं ये इसका जब पेंट है ये आप कम यूज होता है। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये आप देख लें, इसको हमने पेंट भी करना है, इसकी पूरी शक्ल हमने चेंज करनी है और ये हमारे पास वो स्प्रे गन है, लगिन सब कुछ हमने कर लिया है। मैंने मास्क पहन लिया है एहतियातन ताकि इसकी जो स्मेल है वो वापस ना आए। कलर पतला होने की जो सबसे बड़ी ख़राबी है आप देख सकते हैं ये पूरा जो कलर है ये आप इसको देख रहे हैं ये वापस आ रहा है, तो ये फिर आपका देख सकते हैं कलर फिर आपका इस तरह ख़राब होगा। ये हमने आपको पता है 10-11 सेकंड के अंदर ये जो विस्कासिटी का था वो खाली हो गया था, तो अब आप चेक कर सकते हैं ये पतला है काफ़ी। अच्छा अब इसका इसकी सफाई शुरू हो जाती है, सफाई में सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो हमने खोल दिया है सब कुछ, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम प्योर पेट्रोल फ्लो करेंगे ताकि इसकी जो नोजल है इससे पेंट वगैरह निकल जाए। हमने ट्राई किया, आपने देख लिया यहाँ से वो नहीं उठा रहा था, शक नहीं कर रहा था, तो हम वहाँ से अब चेक करेंगे, इसको बोतल में डालेंगे और बोतल से फिर आगे हम देखते हैं। इसका
नोजल हमने साफ़ कर लिया है आपके सामने, हमने पेट्रोल यहाँ से फ्लो कर लिया है, अब इसका नोजल साफ़ हो गया है, बाकी आप साफ़ करते हैं नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इनकी अनबॉक्सिंग से लेके इसकी क्लीनिंग तक सारी चीज़ें कवर कर लूँ। वीडियो को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए आप हमें सजेस्ट करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।